हाँ यार टिया, क्या स्विमिंग करती हो तुम? कोच सर सही कहते हैं, यू आर द बेस्ट स्विमर ऑफ दिस एकेडमी। और तुम्हारी स्विमिंग स्टाइल को देखकर ना मुझे आदि की याद आ गई। थैंक्स, पर ये आदि कौन है? आदि हमारी एकेडमी का बेस्ट स्विमर था। था? या, उसकी मौत हो गई। ही इज डेड नाउ। कैसे? 6 महीने पहले इसी स्विमिंग पूल में डूबकर उसकी मौत हो गई। एकेडमी का बेस्ट स्विमर डूब के मर गया। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आई नो राइट, पर उसकी मौत सिर्फ डूब के मरने से नहीं हुई, किसी जानवर ने उसकी बॉडी का सारा खून चूस लिया था। कैन यू इमेजिन दैट? जानवर यहाँ? सीरियसली? अरे कम ऑन याटिया, तुम क्या मरे हुए लोगों को पकड़ के बैठ गई हो? अरे आसपास देखो, इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा मौसम है, और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो क्या करूं? कम ऑन याटिया, व्हाई डू बिहेव लाइक दिस? इधर देखो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। टिया, आई लव यू। जय, अब फिर से शुरू मत करो। मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो प्लीज। टिया, टिया, छुट्टी मिलती है उस दिन भी चैन की सांस नहीं लेने देते कोई। प्रॉब्लम क्या है शांता बहन? शांता बहन, तुम गुड आफ्टरनून सर। ज्वाला, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? कमिश्नर साहब सुबह से आपका फोन लगा रहे हैं सर, आपका फोन ऑफ जा रहा सर। लेकिन कमिश्नर साहब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज मैं छुट्टी पर हूं, फिर फोन क्यों मिला रहे हो? यहाँ दो होनार स्विमर की मौत हो गई है और इनको देखो, एसीपी साहब को, इन्हों छुट्टियां मना रही, पार्टियां कर रही, दबा के खाना खा रही। सर मैं नहीं बोला ऐसा, ऐसा सर कमिश्नर साहब बोले तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर। ओके, कहाँ हुआ ये सब? सर हादसा एवेन्यू स्पोर्ट्स एकेडमी में हुआ सर। माथे पर अजीब सा एक निशान है, शरीर तो किसी रेप्टाइल का डंक लग रहा है। उसका शरीर भी देखो, पूरी तरह से सूख चुका है और नसों को अगर ध्यान से देखोगे तो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर से खून किसी ने चूस लिया। सर बॉडी के आसपास कहीं पर भी खून की छींटे नहीं दिखाई दे रही। और सर इसकी बॉडी पर इस वाई मार्क के अलावा किसी भी और चोट का निशान नहीं। यू आर राइट, ना खून के छींटे हैं ना बॉडी पे कोई घाव का निशान है, लेकिन फिर भी पूरे शरीर से खून को चूस लिया गया है एक वैम्पायर की तरह। एग्जैक्टली, आखिरी तक तो मैं ही थी जय के साथ, तब तक तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं ये कैसे। सर 6 महीने पहले एक स्टूडेंट की ऐसी मौत हुई थी, सब कहते हैं कि किसी जानवर ने हमला किया है। ओके चवंत, तुम एक काम करो,
इस बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो सर। ओके तो आप यहाँ के कोच? जी सर। एक बात बताइए कि यहाँ पर और ऐसे कितने स्विमिंग पूल्स हैं? सर ये हमारा सबसे छोटा स्विमिंग पूल है। हमारे दो बड़े पूल और भी हैं लेकिन वो हमेशा खुले नहीं रहते, इसलिए स्टूडेंट्स यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। ओके देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक इन सारे पूल्स को आप सील कर दीजिए। आपके कोई भी स्टूडेंट इन पूल्स को यूज नहीं कर पाएगा। ओके जी सर। सर एक मिनट। या सर मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप वापस कर दे, समझा? मैं हाथों को कब मिला था, हाथ मुझे भी उठाना था। अच्छा बेटा, एक तो चोरी, ऊपर से आंखें दिखाता है। हाँ, चोर दिल को मारो। हाँ, मैं चोर हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या? मैंने वो मेरे लॉकर में रखा था, ये बात सिर्फ मेरे अलावा तू जानता था। तो अगर तूने चोरी नहीं की तो फिर किसने की? हाँ? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? दूसरे को दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? वो हमारा दोस्त, हमारा चैन मर चुका है और तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। सर सर रुक, कहाँ जा रहे सर? रुक ना सर, रुक यार। अरे रुको, मैं सर को लेके आता हूँ। जाओ, वो मुझसे नाराज है, मैं उससे बात करता सर। एक ही दिन में दो दो मौत? जयवंत, इसको भी बिल्कुल सेम पैटर्न से मारा गया है। इसके शरीर से भी सारा खून ऐसा लगता है इसे निकाल लिया, और देखो इसके माथे बिल्कुल वैसे ही वाई का निशान है। ओके थैंक यू सर। जय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। क्या पता चला? उसके सर पे जो तरल पदार्थ मिला है वो लीच की लार यानी कि स्लाइवा बताया। लीच? सर इसका मतलब इसके सर पे और जय के सर पे जो निशान है वो लीच के डंक का निशान है। यस जयवंत, इसका सारा खून यहाँ माथे से चूसा गया है। पर सर, एक छोटी सी लीच एक पूरे इंसान को कैसे मार सकती है? ये मामला जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं। सर
मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है टीना? सर, मैंने अरुण और सिद्ध को किसी बात पे झगड़ते हुए देखा था। दोनों में हाथापाई भी हुई थी। कुछ देर बाद सिद्ध वहां से गुस्से में बाहर चला गया, लेकिन अरुण ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सर, वो उसके पीछे वहां भी चला गया। ये सच कह रही है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर, सिद्ध ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, वो लौटा नहीं रहा था, इसलिए हम दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होगी। सर, हाँ सर, सर ये बिल्कुल सही कह रहा है। सर, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो हम दोस्तों के बीच में होती रहती है। सर, ये झूठ बोल रहे हैं, ये पैसों के लिए नहीं, किसी और ही चीज के लिए लड़ रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, टिया झूठ बोल रही है। सर, तुम झूठ बोल रहे हैं। इनफ इज इनफ। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका पता जल्दी लग जाएगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक ये केस चल रहा है, ये अकेडमी छोड़कर बाहर योगी, इसको भी पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब में लेके जाओ, मैं अभी आता हूं। जितना छुपना है छुप ले, तेरी आजादी जल्द ही मेरी मुट्ठी में होगी। हमारी छोटी सी गलती अरुण की जान ले सकती है। Thank you.
अरुण, क्या तुम जानते हो कि इस हादसे में तुम्हारी जान भी जा सकती थी? मेरे मना करने के बावजूद कि पूल के पास कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, तो वहां पर गए क्यों? सर, मैं एक स्विमर हूं और एक स्विमर पूल से कितने दिन दूर रह सकता है? कुछ ही दिन में सिलेक्शन है, हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। अरुण, प्रैक्टिस तुम्हारी जान से कीमती तो नहीं है ना? अगर हम एन मौके पर आकर तुम्हें लीच से नहीं बचाते, तुम्हारी जान जा सकती थी। लीच? सर, ये सब कुछ एक लीच कर रही है, और कोई आम लीच नहीं, बहुत बड़ी और विशाल लीच। सर, मेरे स्टूडेंट्स? डोंट वरी अबाउट योर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं होने देंगे हम उन्हें, लेकिन जब तक हम उस लीच को पकड़ नहीं लेते, मेक श्योर कि आपका कोई भी स्टूडेंट इन स्विमिंग पूल्स के पास में ना जाए। वैसे भी वो विशाल लीच अब तक जय और सिद्ध की जान ले चुकी है। सर, सिर्फ जय और सिद्ध नहीं, उसने आदि की भी जान ली। यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, जय और सिद्ध को तो पहले ही वो लीच मार चुकी है, और अब अरुण पे भी हमला। यार, इतनी बड़ी लीच आई कहां से? अरुण बता रहा था कि उस लीच पर सुपर कॉप्स की गोलियों तक का असर नहीं हुआ। यार, मुझे लग रहा है कि ये सब इस मनुष्य चेन के कारण हो रहा है। ये आदि की चेन ही सारी मुसीबत की जड़। ला, ये चेन मुझे दे, मैं इसे कहीं दूर गाड़ कर आता हूं।